आपकी स्टेट एजेंट से बात हुई? हाँ, मेरी बात हो गई उससे। मैंने उससे कहा कि किराएदारों को वहाँ पर रहने दे, और अगर दोबारा अरसलान की कॉल आए तो मुझे बताए। अरसलान जरा आ जाए, ऐसी क्लास लूंगी ना मैं उसकी। आप कुछ पता है? अरे उसकी बीवी इतनी वाहियात किस्म की तस्वीरें समंदर के सामने खड़े होके खींच रही है और इंस्टाग्राम पे लगा रही है। पता नहीं खानदान में किस किसने इस तरह की तस्वीर देखी होंगी। सबने देख ली है। तैयबा का फोन आया था, वो भी कानों को हाथ लगा रही थी और कह रही थी मेरे शौहर ने भी देखी है। मजाक उड़ा रहा था उसका शौहर। ला हौल वला कुव्वत। अब ये वक्त देखना रह गया था कि घर के दामाद जो हैं घर की बहुओं पे हंसेंगे। कब वापस आ रही हैं लोग? मुझे क्या पता, मुझे कोई कुछ बताता है क्या? अच्छा, फिलहाल तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। जब वो लोग आएंगे तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। और सामिया की कोई खैर खबर है? चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है वो? कुछ पता है उसका तुम्हें? वाह, कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं आ रही है आपको सामिया से? वो जहां है ना उसको वहीं रहने दें। एक बात पूछूं? जी पूछिए। मेरी बात का गलत मतलब हरगिज मत लीजिएगा। हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, और अगर आपको तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको जो भी बात करनी है आप खुलकर कर सकते हैं। क्या अरसलान ने दूसरी शादी कर ली? आपको किसने बताया? अरसलान ने जिस लड़की फरीहा से शादी की है वो मेरे दूर के जाने वाले लगते हैं। उनसे एक दो फैमिली इवेंट्स पर मुलाकात हुई थी, और उसके बाद उस लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। पिछले एक दो दिन से अरसलान और फरीहा की काफी पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं। उसमें आप ठीक तो हैं? आई, मैं आपको डॉक्टर पे ले चलता हूँ। प्लीज कम आइए प्लीज। अरसलान ने जिस लड़की फरीहा से शादी की है वो मेरे दूर के जाने वाले लगते हैं। पिछले एक दो दिन से अरसलान और फरीहा की काफी पिक्चर्स पोस्ट हो रही हैं।